हेलो गाइस, वेलकम टू वी एन टेक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, रियलमी GT2 एक्सप्लोर मास्टर एडिशन चाइना में 12 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, इस वाले स्मार्टफोन की काफ़ी तगड़ी स्पेसिफिकेशन लीक निकल कर आ रही है। 12 जुलाई के बाद आपको स्मार्टफोन इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। 90% चांस है कि यही नाम से स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन कुछ और नाम से भी आ सकता है, अब ऐसा कन्फर्म नहीं है। अब दोस्तों, रियलमी GT2 एक्सप्लोर मास्टर एडिशन की क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले, क्या डिजाइन लुक के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, क्या प्राइस होने वाले है, सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब सबसे पहले डिजाइन लुक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक इसका कुछ प्रॉपर इमेज निकल कर नहीं आया है, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि GT2 एक्सप्लोर मास्टर एडिशन में पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, फ्रंट में पंचुअल सेल्फी कैमरा हो सकता है। अब दोस्तों, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट होगा और HDR10+ का सपोर्ट डिस्प्ले में होगा। इसमें कोरिंग गोला ग्लास की प्रोटेक्शन होगी और डिस्प्ले में पंचोल सेल्फी कैमरा होगा। दोस्तों, डिस्प्ले काफी अच्छी होने वाली है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट कोलकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा, जो 4nm पर बेस है। एड्रेनो 730 GPU है और आपको इसमें UFS 3.1 स्टोरेज, LPDDR5 रैम का भी सपोर्ट मिलेगा। काफी तगड़ा प्रोसेसर है, गेमिंग भी आप इसमें हाईएस्ट ग्राफिक्स पर कर पाओगे और डे टू डे लाइफ में कोई भी लैग शटर इसमें नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी होगी। कैमरे के बारे में बात करें तो बताया जा रहा है कि 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा इसमें, लेकिन दोस्तों अभी तक इसके कैमरे के पैटर्न के बारे में कोई भी लीक नहीं है, कोई इसका इमेज लीक नहीं हुआ है। लेकिन इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50MP मेन प्राइमरी कैमरा होगा, 50MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और थर्ड कैमरा होगा 2MP मैक्रो कैमरा। फ्रंट में 16MP की पंच होल सेल्फी होगी। इसे दोस्तों रियर कैमरे से 4K 60fps तक वीडियो शूटिंग होगा, फ्रंट में भी फुल HD वीडियो शूटिंग कर पाओगे। और दोस्तों, इसमें 5000mAh की बैटरी होगी 100W फास्ट चार्जिंग के साथ। और लेटेस्ट Realme UI 3 मिलेगा, जो एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड होने वाला है। साथ में इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट होगा और फेस लॉक अनलॉक का भी सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से वेरियंट्स होंगे और क्या प्राइस रेंज में स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा। दो वेरिएंट्स इसके लीक हुए, जिसमें बेस यूनिट है 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज और एक और हायर वेरिएंट है जो 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज। ऐसे दो वेरिएंट्स हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में कोई भी लीक नहीं है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये प्राइस रेंज में स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन आ रही है उसके हिसाब से अगर देखें तो आपको इस वाले स्मार्टफोन की प्राइस 40,000 से अप इंडिया में देखने को मिल सकती है। चाइना में भी ये स्मार्टफोन 40,000 से अप में लॉन्च होगा। मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट की प्राइस 42,000-45,000 से स्टार्ट होगी और आगे जो हायर वेरिएंट्स है उसके हिसाब से आपको प्राइस देखने को मिल सकती है इंडिया में। अब दोस्तों, आपका क्या ख्याल है रियलमी GT2 एक्सप्लोर मास्टर एडिशन के बारे में और आप इसकी प्राइस के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बहुत इजीली 2.5 के रीच करने वाले, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर दीजिए। इतना था आज के वीडियो में, मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।